दक्षिण भारत संस्कृति परंपरा धार्मिक स्थलों का एक खजाना है। जिज्ञासा तृप्त करने के लिए कीजिए ममलापुरम तिरुपति त्रिची पलानी मदुरई रामेश्वरम कन्याकुमारी केरला कोची की यात्रा। कोची टू मुंबई बाय कोडिलिया क्रूज 3 रातें 4 दिन फुल बोर्ड और उसके बाद मुंबई में आप अच्छे वक्त बिता पाएंगे। दक्षिण भारत के लिए अगली यात्रा की टोली निकल रही है 8 नवंबर को और वापसी होगी 2 दिसंबर को। रिजर्वेशन और ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कीजिए 5 9 4 9 8 7 0 3 9 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
कीजिए यात्रा तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ। नमस्ते, आज के यात्रा एपिसोड में आप सब लोग के शानदार स्वागत करत है जा। फिर एक बार आज रात आप लोग के लिए जात है जा दक्षिण भारत के केरल प्रांत में। गल सप्ताह दिखले रली जा केरल के पौराणिक इतिहास, उकर पर्यटन, उनकर संस्कृति, उनकर बैकवाटर्स और उनकर आयुर्वेदिक पद्धति। आज देखब जा उन लोग के सांस्कृतिक, उन लोग के व्यापारिक और उन लोग के रहन सहन। केरल के संस्कृति हजारों साल पुरान है। एकर इतिहास के प्रथम काल 1000 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक मानल जाला। केरल के ईश्वर के अपन घर यानी कि गॉड्स ओन कंट्री बोलल जाला। विश्व भर में पर्यटक के आकर्षण के केंद्र मानल जाला। ई केरल हैजा के भौगोलिक प्रकृति में पहाड़ और समातल दोनों के समावेश बाते। केरल एगो ट्रॉपिकल प्रांत है। भारत के ई राज्य जोन है आर्थिक रूप से एगो समृद्ध प्रांत है, जेकर सबसे बड़ा संसाधन उनकर जन संसाधन है। ग्लोबलाइजेशन के प्रतिकूल प्रभाव से कृषि तथा अन्य परंपरागत क्षेत्र के बहुत कमती कर देवल गल बाते। केरलिया जीवन के छवि हैजा मनाई होला कर उत्सव में दिखाई देवेला। हैजा की संस्कृति हर एगो उत्सव हर एगो खुशी के माहौल हाथी के बिना अधूरा रहेला। केरल के सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ गज यानी कि हाथी के बहुत बड़ा विशेषता बाते। जिन प्रकार से हैजा परी जिन हाउस बोटिंग मशहूर रहेला, वाटर बाग का बोटिंग मशहूर रहेला, हैजा के हाथी भी एकदम मस्त एकदम मशहूर हते। पाछे में देखा तो बा हाथी जिन बा सवारी लेकर आवत थे और हाथी के सवारी केरला में नहीं कर ला तो कुछ नहीं कर ला। तो चला आज के कार्यक्रम में यही सब आप लोग के दिखाई जा। हैजा यदि हाथी के पूजल जाला ता हाथी से व्यापार भी करल जाला। हाथी सवारी पर्यटन विभाग खातिर एगो विशेष कड़ी है। इस सब हाथी जिनकरा इंडियन एलिफेंट एलिफास मैक्सिमस इंडिकस बोलल जाला, इस सब हैजा के विरासत के साथ जुड़ल बा। इस सब जबर जबर हाथी केरल के गर्व है। ये प्रजाति के हाथी 50% से हैजा परी घट गल बाते। इतिहास गवा बाते कि ढेर कोई ई प्रकार के हाथी जो है ई प्रजाति के हाथी के दांत के व्यापार कर ले रलंजा और ई प्रजाति कल्ले कल्ले कमती होले चल गल। आज ई प्रजाति के हाथी 50,600 से 32,750 के बाते।
हैजा के वन और हैजा के पर्यटन क्षेत्र में। केरल में 700 से ज्यादा के लगभग हाथी के पालन पोषण मंदिर और सांस्कृतिक कार्य खातिर करल जाला। हमनी के टोली के इस सब हाथी के चढ़ाई करे के बहुत सुनहरा मौका मिलल। ढेर कोई कब्बो नहीं सोचते रलंजा कि एक दिन उ लोग ई हाथी के सवारी करियन जा। हाथी पर चढ़ला के बाद हमरा ऐसा आभास होल जैसे कि हम कोई क्षत्रिय या कोई राजा महाराजा है। केरल के ज्यादातर मंदिर के अपन हाथी बाते जन भक्त लोग द्वारा दान करल जाला। हैजा के सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर के 60 गो हाथी बाते जन हर धार्मिक कार्य के शोभा बढ़ावेला। ये मंदिर है, हजारों साल पुराना है। अभी इधर का त्योहार चल रहा है, नवंबर 21 और 28 तक चल रहा है और डेली हाथी के ऊपर भगवान के घूमना है। केरलीय जीवन के छवि हैजा परी मनाई होला उत्सव में दिखाई देवेला। केरल में अनेक उत्सव मनावल जाला जोन सामाजिक मेल मिलाप और आदान के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। केरलीय कला जोन बाते ओकर विकास हैजा मनाई होला उत्सव पर आधारित रहेला। ज्यादातर उत्सव उ लोग के धर्म से जुड़ल बाते, ज्यादातर उ लोग देवालय से भी जुड़ल बाते। इ लोग के राज्योत्सव जो है ओनम है। ये मंदिर है, श्री कृष्ण का मंदिर है, एक्चुअली विष्णु का प्रतिष्ठा है, श्री कृष्ण इसके अंदर है और इधर वो टाइम में इधर उत्सव होता है, 8 दिन का फेस्टिवल होता है। वो हाथी के ऊपर विराजमान होता है और होता है। वो हाथी बोले तो सबसे बड़ा हाथी माना जाता है ना, वो पलक में लेके जाते इधर हाथी में। ई लोग के सब जितना भी पर्व बाते पारंपरिक बाजा से हुवेला। केरल से सर्वप्रसिद्ध विष्णु मंदिर के दौरा करके सौभाग्य हमनी के टोली के मिलल। हैजा साल में एक हला भव्य रूप से विष्णु भगवान के पूजा हुवेला और चारों तरफ बिजली बाती जलीला। अनेक प्रकार के दृश्य जुन बाते रात के अलौकिक रूप से नजर आवेला, कहे कि हैजा परी हर रंग के बिजली बाती से देखो आशों करल जाला। हैजा के संगीत सीधा दिल के भेद देवेला। साज संगीत और स्वर्ण कवच से सजावल गज यानी कि हाथी सब से पूजा संपन्न करल जाला। लोग
दूर दूर से पूजा सत्र में भाग लेवे आवे लंचा। सप्ताह भर चले होला ई पूजा में रोजाना एगो प्रोग्राम रखल जाला। केरल के सांस्कृतिक विरासत के साथ गज यानी कि हाथी के बहुत बड़ा विशेषता है। हैजा यदि हाथी के पूजल जाला तो हैजा परी हाथी के देवता भी मानल जाला। उनकरा स्वर्ण कवच के साथ सजाकर है सब पूजा में शामिल करल जाला। हाथी के शुद्ध पवित्र मानल जाला, कहे कि उनकरा गजराज यानी कि गणेश के रूप में भी पूजल जाला मानल जाला। मानव जीवन बार बार नहीं मिलता, यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ काशी बनारस जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सफल कीजिए अपना मानव जीवन। यमुनोत्री का दर्शन कर यम त्रास मिटाइए, गंगोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ का दर्शन कर मोक्ष प्राप्त कीजिए। उत्तर भारत के लिए अगली यात्रा निर्धारित की गई है 27 सितंबर 2023 से लेकर 22 अक्टूबर तक। ज्यादा जानकारी और रिजर्वेशन खातिर कॉल कर 5701-9809 या तो 5949-8703 पर। पावन चार धाम की यात्रा का अपना सपना साकार कीजिए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ। केरल यानी कि केरला आगे एगो कृषि प्रधान प्रांत रहल, जेकर सबसे बड़ा संसाधन उनकर जन संसाधन रहल यानी कि ह्यूमन रिसोर्स रहल। केरल में कृषि खाद्य यान और निर्यात करल फसल प्रांत के अर्थनीति के बरियार बनावेला। शासन व्यवस्था और व्यापार के कारण निर्यात करे होला फसल में बढ़ोतरी होल बाती है जापरी। हैजा कैयर अर्थात नारियल के रस्सी, लकड़ी उद्योग, खाद्य नारियल के तेल प्रमुख पैदावार है। नारियल तेल पैदावार करके अपन परिवार के पेट पाले होला है जा ढेर कोई बातें। एगो ऐसा ही परिवार से हम के भेंट भल जोन शुद्ध वर्जिन नारियल तेल, तिल के तेल और सरसों के तेल बनावेलन। अभी ये 7 साल हो गया अभी शुरू होकर के, और एक दूसरा वर्कशॉप भी है यहाँ से ही शुरू किया था, 7 साल हो गए। पहले मशीन का पूरा वो इंक्वायरी किया एक एक जगह से कैसे होता है कैसे चलता है, और बहुत सारे मिल जाके देख लिया, उसके बाद ही शुरू किया है। अभी कोई एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं था, पहले ही शुरू किया उसके बाद ही एक्सपीरियंस हो गया। बहुत कुछ मुश्किल हो गया था, फिर से उसमें से ऊपर आ गए। पहले वो नारियल है ना, वो तोड़ के सुखाते हैं, 7 दिन के लिए सुखाते हैं। सूखा हुआ नारियल ऐसे होता है। अभी ये फिर से हम ड्रायर में डालते हैं रोस्टिंग करने के लिए, तो उसके बाद कटिंग करते हैं। कटिंग का मशीन भी वहाँ पे, वे वो 15 मिनट में 100 किलो कट कर सकते हैं। कट करके ऐसे होगा, ये भी ये डाला तो 64% तेल मिलेगा, 35% वो ऑयल केक मिलेगा। वो हमारा यहाँ का नारियल है तो ज़्यादा भी मिल सकता है, 68% तक जा सकता है। ये ऐसा है कि तमिलनाडु से आप लाएंगे तो वहाँ पे सल्फर डालते हैं वो, ये सल्फर बिना सल्फर है, सल्फर धुआं, सल्फर का धुआं डालते हैं, वो तो थोड़ा मुश्किल है। तेल का क्या फायदा है? अच्छा है, कोई भी यूज़ कर सकता है, वो फैट थोड़ा कम होता है इसमें। और ये तेल क्या यूज़ करते हैं, उससे क्या क्या बनाते हैं? पकाने को, बाल को लगाने को पूरा ले सकते हैं।
हैजापरी नारियल तेल इत्यादि के साथ साथ नारियल के अनेक प्रयोग हुएला अर्थात अनेक पदार्थ पैदा करल जाला। हैजापरी ढेर बड़ा बड़ा फैक्ट्री बा जो नारियल के पैदावार करेला ओकर से पदार्थ के पैदावार करेला। हैजापरी बड़ा बड़ा फैक्ट्री में कोकोआ पे और नारियल दूध के पैदावार भी हुएला। नारियल पैदावार हैजा के अर्थनीति खातिर एगो अहम पैदावार है। केरल में 30% ज्यादा भूमि जो है नारियल के रोपाई से ऑक्यूपाइड बाते यानी कि हैजापरी नारियल के पेड़ पौधा नजर आवेला और 95% नारियल घर के आगे या पीछे रोपल जाला। केरल में नारियल के केरा बोलल जाला। नारियल के कुछ ने फेंकाला हैजापरी ओकर पत्ता से घर के छत बनावल जाला। ओकर टहनी से रस्सी बनावल जाला। तेल निकालल जाला और दूध से हर प्रकार के व्यंजन बनावल जाला। हैजा के हर एगो खाना में नारियल के दूध यानी कि नारियल क्रीम मिलावल जाला। ऐसा मानल जाला कि लोग के संस्कृति में ई जोड़ गल बाते। कोनो भी अच्छा व्यंजन तैयार करबा वेज रही चाहे नॉन वेज ओकर में कोकोनट मिल्क डल्ला से ओकर स्वाद बढ़ जाला। हैजा परी कि नारियल चटनी भी बहुत ही प्रसिद्ध है। तो भाई बहनों की रहल आज रात की यात्रा प्रोग्राम केरल से दूसर का भाग साथ निभाइला। बहुत बहुत धन्यवाद। आवत सप्ताह फिर मिलब जा यही प्रोग्राम के साथ यही चैनल पर। पूरी टीम की आज्ञा द शुभ रात्रि। नमस्ते। दक्षिण भारत संस्कृति परंपरा धार्मिक स्थलों का एक खजाना है। जिज्ञासा तृप्त करने के लिए कीजिए ममलापुरम तिरुपति त्रिची पलानी मदुरै रमेश्वरम कन्याकुमारी केरला कोची की यात्रा। कोची टू मुंबई बाय कोडिलिया क्रूज 3 रातें 4 दिन फुल बोर्ड और उसके बाद मुंबई में आप अच्छे वक्त बिता पाएंगे। दक्षिण भारत के लिए अगली यात्रा की टोली निकल रही है 8 नवंबर को और वापसी होगी 2 दिसंबर को। रिजर्वेशन और ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कीजिए 5949-8703-9999-93 पर। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, मौके का फायदा उठाइए और कीजिए यात्रा तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ।